वो आपको, और दूसरा ये बोलूंगा कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग के लिए भागते हैं कि नहीं। अभी हम मैं शिवम की वीडियो देख रहा था, आप सब देख रहे थे, तो कहते कहते हैं जो दोस्त कहते हैं हम तेरे लिए जान दे देंगे, वो उन्होंने 1,000 रुपए तक नहीं दिए, और पैसे आपसे लेने, आपको लेने नहीं है बल्कि उनको प्रोडक्ट लेने हैं। तो वाकई में ये सच है, ये नहीं होता है, लोग मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि ये नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे नहीं देंगे जी, हम नेटवर्क मार्केटिंग हम करना नहीं चाहते, हम करते नहीं है, लेकिन जाने अनजाने में हम सब नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। मतलब हम तो बेस्ट चीज है ही नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन और लोग भी जो नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं नहीं करना चाहते, वो भी जाने अनजाने में नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं मतलब पिज्जा गए, या कहीं ढाबे पे गए, कहीं पिक्चर देने गए, कहीं मोबाइल खरीद के लाए, कुछ भी लेकर आए, अच्छा लगता है, हम इस साल को बताते हैं यार ये ले ले, बहुत अच्छी बात है, तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ले ले तू मेरे कहने पे, तो बंदे रह के ले आता है, होगी ना नेटवर्क मार्केटिंग। तो ये हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, उसके बाद भी हम मना कर रहे हैं कि नहीं जी हम नेटवर्क मार्केटिंग करना नहीं चाहते, लेकिन वहां पे क्या फर्क है, वहां पे हम लोगों को बता रहे हैं हमारा पैसा नहीं आ रहा है ना, हमारे फेम है कुछ नहीं, हम अनजान आदमी, हमने बता दिया और वो अंदर आके ले आया, कंपनी को पता भी नहीं कौन कहाँ से चला गया। यहाँ पे यही तो सिस्टम है, यहाँ पे आपको आपको प्रोडक्ट इस्तेमाल करने और बता देने, और उसमें भी लोग कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी मेरे को। नेटवर्क मार्केटिंग वाकई में सर आपको आप जाने जाने में हम सब करते आए हैं आज तक नेटवर्क मार्केटिंग। यदि परचून दुकान में सामान लेने जाते हैं, हम 10 लोगों को बोल देते हैं कि जी वो सामान बड़ा अच्छा है उसका, आप वहीं से लिया करो, और लोग लेना शुरू कर देते हैं। कभी उसने भी, कभी परचूनी वाले ने, या मतलब जो भी शॉप है, कहीं भी उसने आपको कभी भी बोला अरे आपकी वजह से मेरे पास 10 ग्राहक आ गए, आप ये 50 रुपये रख लो, 100 रुपये तो बहुत बड़ी बात की है, या आप उसका सामान लेते हो अगर 100 रुपये उधार भी होगा ना, अगली बार टोक देगा जी 100 रुपये रह गए आपके, चाहे 50 आदमी दे दो उसको, लाके कस्टमर को उसको कस्टमर दे दो आप। तो कहने का मतलब है नेटवर्क मार्केटिंग हम जाने जाने में कर रहे हैं, और बाकी में सक्सेस वही है जिन्होंने सीरियसली काम किया, जिन्होंने बेस्ट के प्रोडक्ट इस्तेमाल किए, जैसे आज का टॉपिक है मैक ड्राइव, बाकी में एक ऐसा प्रोडक्ट है कि आपका, मैंने जैसे बताया मैंने पीवी पीवी 53 पीवी कम नहीं होते जी, आपने आप आ, आपने महीने में 10 लोगों को निकाल दिया, 20 लोगों निकाल दिया, हम लोग करते ही हैं 53 पीवी, और हर एक के पास गाड़ी, हर एक के पास बाइक है, कोई मना कैसे कर देगा। कई लोग ये कह रहे थे कि मेरी गाड़ी खराब हो जाएगी, यार कंपनी ने इतना बढ़िया प्रोडक्ट निकाला है, गाड़ी खराब होने की निकाला है, लोग ऑडी में डाल रहे हैं, लोग मर्सिडीज में डाल रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, अगर आप लोगों ने किसी सामान ले किया, प्लीज आज से आज ही जाएं खरीदें और अपनी गाड़ी में डालो, वाकई में फर्क पड़ेगा गाड़ी या बाइक। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आज हम लोग को रश्मि मैम को सुनना है, जो कि हमारे बीच ग्रेट स्पीकर हैं, और मतलब गजब का जज्बा है उनके अंदर, आपको चेहरे से ही उनके झलकता होगा कितना कितना उनका मतलब कि इस प्रति जुनून है, और वो उस हिसाब से काम भी कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं वो, और आगे बहुत आप देखिएगा बहुत जल्दी, मैं तो कह रहा हूँ 1 साल के अंदर उनको उनको वो मुकाम मिलने वाला है जो जो वो चाहती हैं, और उनको आदत तो मिल गया है, उनको फेम मिल गया है, हम सब उनको सुनने के लिए बैठे रहते हैं। तो रश्मि मैम आप प्लीज आए और हम लोग हम सबका मार्गदर्शन करें इस आज के टॉपिक पे, और हम सब आपको सुनना चाहेंगे जल्द से जल्द। रश्मि मैम गुड थैंक यू सर, थैंक यू एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। मॉर्निंग मैम, एक बार फिर से प्रवीण सर का शुक्रिया ये टॉपिक मुझे देने के लिए, मुझे फिर से इस प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, फिर से एक बार बोलने का मौका देने के लिए। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं रश्मि गुप्ता, सिल्वर डायरेक्टर फ्रॉम फोजाबाद, आज आप सभी के बीच हूं। और जिस तरह से मुझे आज जो टॉपिक दिया है मैक ड्राइव, उसका मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मुझे आप सभी से शेयर करना है। और ये आई थिंक ये अल्फा टीम में फर्स्ट टाइम मीटिंग है स्पेशली मैक ड्राइव के लिए। तो मैक ड्राइव के लिए सबसे पहले तो मैं ये फनी सी बात से ही स्टार्टिंग करना चाहूंगी। मैक ड्राइव में जो मैक ड्राइव का नाम है नैनो बंदे एनर्जाइजर, मैंने बंदे उसको जब फर्स्ट टाइम पढ़ा तो नैनो इंजीनियर पढ़ा। काफी टाइम तक मैं नैनो इंजीनियर ही बोलती थी, समझ नहीं आता था कि है ना कि मैं सही भी, मतलब क्योंकि मैंने जस्ट देखा और हाँ नैनो इंजीनियर, नैनो इंजीनियर काम भी लगा कि बहुत तारीफ है गौरव सर करते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैक ड्राइव के बारे में गौरव सर से ही सुना, उनके स्टेटस पे जो वीडियो डलती थी उससे देखा, उससे जाना, उससे पहचाना। तो
तो मुझे लगा कि भाई एक इंजीनियर का काम है, मैकेनिकल इंजीनियर तो हो सकता है, नैनो इंजीनियर इसलिए नाम दिया होगा। लेकिन जब मैंने इसकी वीडियोस देखी, जब ये मेरे हाथ में आया, तब पता चला कि इसका असली नाम क्या है। तो ये तो खैर एक फनी टॉपिक था, अलग है ये तो, क्योंकि शुरुआत हंसने हंसाने से होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये आपको शेयर कर दिया। तो हम अपने एक्सपीरियंस पे आते हैं। जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले गौरव सर, उनसे ही है ना हमने जाना कि क्या है ये मैक ड्राइव, उनसे ही देखा। अभी तक हम हमेशा अपने हेल्थ इश्यूज के बारे में या हेल्थ सप्लीमेंट के बारे में ही बात करते हैं, तो ये बिल्कुल डिफरेंट प्रोडक्ट है वेस्टीज के अंदर। मैंने भी इसको जानने की कोशिश की, तो एक दिन यूं ही मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि इस प्रोडक्ट के बारे में जरा मुझे पता करके बताओ, क्योंकि मेरी नजर में मेरे हस्बैंड से ज्यादा इंटेलिजेंट और कोई नहीं है। तो मैंने जस्ट उनसे ही कहा कि आप मुझे बताइए, और उनकी भी गूगल देवता से बहुत अच्छी दोस्ती है, उन्होंने जस्ट इसको देखा और उसके बाद उन्होंने ना कहा कि ये इस तरह से ना गाड़ी या फिर है ना हम किसी भी चीज के लिए, इंजन के लिए है, स्पेशली ये इंजन का डॉक्टर है। उनके अचानक से दिमाग में आया कि क्या हम इसे जनरेटर के लिए यूज कर सकते हैं। मैं कहा जनरेटर के लिए, ऑफ कोर्स है ना, हम अपनी अपलाइन को सबसे पहले कॉल करते हैं। मैंने अपनी अपलाइन रूपाली मैम, ग्रेट अपलाइन, तो उनको मैंने कॉल किया। वो भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी जनरेटर के लिए, भाभी तुम एक नई चीज लेके आई हो जनरेटर के लिए, ये तो कार और है ना बाइक्स वगैरह के लिए। मैंने कहा आपके भाई पूछ रहे हैं जनरेटर के लिए, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं पूछ के बताती हूँ। उन्होंने हम सबके फेवरेट अजय सर से फोन किया, तो एक्सपीरियंस उनका भी नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा क्योंकि जो जेंट्स लोग होते हैं वो मैकेनिकल पार्ट्स में अच्छी है ना समझ रखते हैं, तो उन्होंने कहा डाल तो सकते हैं लेकिन ऐसा पता नहीं, हल्की सी पॉजिटिविटी वहां से मिली, ठीक है कर सकते हैं। अच्छा मेरे पति की एक ये खासियत और है, रिस्क बहुत उठाते हैं, हर चीज में एक्सपेरिमेंट करना उनकी हॉबी है, डरते नहीं है। जो हमारी चंचल मैम, हमारी प्यारी सी स्वीट सी, वो अपने भाई के लिए एक ही बात बोलती थी, जहां हर किसी की सोच खत्म होती है मेरे भाई की सोच वहां से शुरू होती है। तो अभी तक हम जहां मैक ड्राइव के लिए गाड़ी और बाइक की बात कर रहे थे, मेरे पति ने एक जनरेटर नाम दे दिया, मुझे उसमें यूज करना है। रूपाली मैम से थोड़ी सी पॉजिटिविटी मिली, उसके बाद समझ नहीं आया कि क्या करें, तो मैंने अपने डीएलसीपी पे कॉल किया अनुराग सर, उनसे मैंने पूछा, वो भी ये ना बोलने लगे जनरेटर, मैंने तो ट्रैक्टर पे यूज किया है। तो उन्होंने ट्रैक्टर का बोला, फिर उन्होंने कहा मैं पूछ के बताता हूँ। उन्होंने ना बात की किसी से, तो उन्होंने कहा डाल तो सकते हैं, क्योंकि इंजन इंजन इन सबों का कॉन्सेप्ट तो सिलेंडर और पिस्टन का ही होता है, कॉन्सेप्ट तो तकरीबन सबों का एक ही है, तो यूज तो कर सकते हैं। इन्होंने मुझसे बोला होगा वो देखेंगे, तुम मंगा लो। मैंने कहा ठीक है मंगा लेते हैं, मेरा अच्छा है, मैं तो है ना बाइक का और कार का है ना फोर व्हीलर टू व्हीलर दोनों मंगाऊंगी, मेरे 100 PV कंप्लीट हो जाएंगे। उनका हल्का सा इशारा था और मैंने मंगा लिया। जब वो हमारे हाथ में आया, ओ हो, अपनी बेवकूफी पे समझ नहीं आया कि क्या बोलूं। इस पे जनरेटर साफ साफ छपा हुआ था कि ये जनरेटर के लिए यूज होता है। उस वक्त अपने पति की इंटेलिजेंसी पे और भी ज्यादा फखर हुआ, और इंटेलिजेंट होना तो उनका बनता है, आफ्टर ऑल रूपाली मैम के भाई है, तो इंटेलिजेंट होना इनके ब्लड में है। सोच के भी बार बार ये लग रहा था, अरे यार जनरेटर साफ साफ छपा तो हुआ है, मैं कहां कहां है ना इसे सोच रही थी, प्रोडक्ट को लाई नहीं, पहले इसको इंक्वायरी शुरू कर दी। उन्होंने फिर इस पैकेट को लिया और जनरेटर में डाला इंजन ऑयल के साथ में। अब वहां की जर्नी बताती हूं मैं आपको। हमारी चूड़ी की फैक्ट्री है जहां पे जनरेटर के थ्रू लाइट सप्लाई होती है, वो जनरेटर गैस से चलता है, हमारे यहाँ गैस जनरेटर है, दो जनरेटर है 45 KVA के और 62 KVA के।
हमारा उसमें से एक जनरेटर जो 45 KVA का है उसके लिए, क्योंकि हमारे यहाँ अगर जनरेटर थोड़ी देर के लिए भी ट्रिप कर गया, खराब हो गया, तो वहां लाखों का नुकसान तय है। तो हमारा ये रहता है कि हम जो जनरेटर की सर्विस देता है वो टाइम टू टाइम जनरेटर को चेक करता है, उसे सर्विस देता है, वो उसके अंडर में रहता है, क्योंकि जनरेटर बिल्कुल भी ट्रिप नहीं करना चाहिए। एक बार भी है ना ट्रिप करने से काम खराब हो जाता है, लाखों का नुकसान मिनटों में हो जाता है। तो जनरेटर हमारे यहाँ के लिए स्पेशल है, और स्पेशली अगर ये तो मैंने अपने यहाँ की बात की, मैं फिरोजाबाद से बिलोंग करती हूँ जो इंडस्ट्रियल एरिया बोला जाता है, जहां पर 2 करोड़ तक के जनरेटर रहते हैं, जो ग्लास क्रॉकरी के जो हमारे कांच के जो सामान बनते हैं वहां पर जो जनरेटर, जिस जनरेटर सप्लाई होती है वो 2-2 करोड़ के जनरेटर होते हैं। तो जनरेटर फिरोजाबाद के लिए बहुत मस्ट है, क्योंकि लाइट ब्रेक नहीं होनी चाहिए, इसलिए जनरेटर से हम यूज करते हैं, वो जनरेटर गैस से चलते हैं। तो जिस 45 केवीए के जनरेटर की मैं बात कर रही हूँ, जिसमें मेरे हस्बैंड ने ये हमारा मैक ड्राइव यूज किया, तो जो हमारा जनरेटर संभालता था उसने कुछ टाइम पहले ही ये वाली बात बोली थी कि आपका जनरेटर इंजन बहुत वीक हो चुका है, लोड नहीं ले रहा है, आवाज बहुत आती है। तो ऑफकोर्स जनरेटर संभालवाना था, तो जब उससे एस्टिमेट पूछा कि जनरेटर की सर्विसिंग की क्या, तो 70,000 रुपए उसने बताया, 70,000 रुपए आपके लगेंगे इस जनरेटर को संभालवाने में। संभालवाना था ठीक है, लेकिन मैंने बताया ना मेरे हस्बैंड का बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत रिस्क लेते हैं, एक्सपेरिमेंट बहुत करते हैं, तो उन्होंने शायद यही उनके दिमाग में सारी चीजें रही होंगी कि उन्होंने जैसे मैंने मैक ड्राइव के बारे में उनसे पूछा, उन्होंने सडनली है ना 2-4 इंक्वायरी के बाद बोल दिया मंगा लो, 70,000 तो है ना वैसे ही जाने हैं, एक बार और है ना हम करके देख लेते हैं। उन्होंने उसके बाद हमारा मैक ड्राइव दिस वन प्यारी सी पैकिंग के साथ इसको ओपन करके इंजन ऑयल के साथ मिक्स करके जनरेटर में डाल दिया, काम जैसे चल रहा था वैसे ना चलने दिया, मतलब हमारा जनरेटर चलता रहा। बिलीव नहीं करेंगे आप, जहां 70,000 रुपए का खर्चे की बात आ रही थी वहां वो 1600 रुपए में काम हो गया, इंजन स्मूथ हो गया, लोड जो बार बार है ना ले रहा था वो चीज खत्म हो गई, आवाज खत्म हो गई, और बहुत ही स्मूथली चलने लगा। एक पैकेट से 1600 रुपए से हमने 70,000 रुपए बचाए। ये एक्सपीरियंस रहा मेरा मैक ड्राइव के साथ। और सोने पे सुहागा कि वेस्टीज और मेरे लिए एक और फेथ बढ़ गया मेरे हस्बैंड की नजर में, जो हर वाइफ चाहती है एक वेस्टीज के लिए, जब फैमिली पूरा हमारे साथ होती है ना तो हमारे लिए काम करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। आज कंडीशन ये है कि अपने ऑफिस में मेरे हस्बैंड इस मैक ड्राइव के पैकेट को रखते हैं, क्योंकि नजर पड़े और लोग पूछे ये है क्या, और वो उस चीज को प्रमोट कर सके, क्योंकि उनको भी ये बहुत बेस्ट लगा। उन्होंने कल भी जनरेटर वाले से स्पेशली, मेरी आज मीटिंग थी तो मैंने कहा एक बार आप और कंफर्म करो, तो उन्होंने पूछा तो उसने ये कहा कि हाँ वाकई में बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। उन्होंने इस वाली बात को बोला कि भाई तो हमारा प्रमोट करो ये, तो उसकी नजर में था भाई 1600 रुपए का है ना प्रमोट करने लगूंगा तो मुझे 70,000 रुपए कौन देगा फिर, उसे तो अपना चाहिए भाई, बिजनेस बिजनेस, लेकिन हम प्रमोट करना नहीं छोड़ेंगे। जहां जनरेटर में 70,000 रुपए लगने वाले थे वहां 1600 रुपए से काम हो गया। सिर्फ एक छोटा सा लॉजिक जो यहाँ इस मैक ड्राइव ने दिया उसको समझने में, क्योंकि मैंने अभी कुछ देर पहले ही बोला कि जो मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं उनके जेंट्स लोगों को नॉलेज ज्यादा होती है, यही पढ़कर यही सोच के साथ मेरे हस्बैंड ने अलाउ किया और इतना बड़ा रिस्क लिया, वरना इंजन जैसी चीज में कोई भी चीज ऐसे कोई नहीं डालना चाहता, पता नहीं इंजन का क्या हो। तो पहली बार मुझे महसूस हुआ कि अभी तक हम अपने ऊपर हेल्थ सप्लीमेंट का जो काम करते थे वो भाई हमारे मशीन और इंजन पे भी हमारे वेस्टीज ने दे रखा है कि भाई इसके भी सप्लीमेंट हैं। मोटा मोटी अगर बोले कि
ये गाड़ियों का या इंजन का, गाड़ी नहीं बोलूंगी मैं, इंजन बोलूंगी, यहाँ एक साथ फोर व्हीलर टू व्हीलर और जो भी इंजन है उन सबके लिए एक साथ बोलना चाहूंगी, ये गाड़ियों का ग्लूकोजा माइन है, जहां पर ये हमारा जो पिस्टन और सिलेंडर बेस्ड जो टेक्नोलॉजी होती है जिसपे सारे इंजन काम करते हैं, ये उसको स्मूथ बनाता है। नया इंजन है हमारा, है ना वो आवाज करता है, माइलेज भी अच्छी होती है, सारी चीजें ठीक होती हैं, लेकिन जैसे जैसे वो पुराना होने लगता है, धुआं भी ज्यादा छोड़ता है, हमारा आवाज भी बहुत होने लगती है, हमारा माइलेज भी कम हो जाता है, उस सबका कारण ये होता है कि उस जो सिलेंडर के अंदर जो एक परत चढ़ी हुई होती है वो धीमे धीमे यूज हो के घिसने लगती है, और सिलेंडर पे जो रिंग होती है वो भी धीमे धीमे डिस्ट्रॉय होने लगती है, जिससे पिस्टन और सिलेंडर प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते। उसी चीज को पूरा करने के लिए हमें मैग ड्राइव दिया गया है। स्पेशली ये बोला जाता है कि जब आप मैग ड्राइव यूज करें तो पहले तो इंजन ऑयल के साथ यूज करें और काफी शेक करने के बाद करें, ताकि जो उसके नैनो पार्टिकल है, जो मैं नैनो इंजीनियर बोलती थी, तो वो पूरी नीचे उसमें सिलेंडर में जाके पूरे में एक परत बना दें, मतलब आपका इंजन नया हो जाए जैसा कि आप जब गाड़ी खरीद के लाए थे तब था। पूरी गाड़ी इंजन पे ही डिपेंड करती है। मुझे तो पहले नॉलेज भी नहीं थी, अब धीमे धीमे पता चला है कि क्या ना कि क्या ना कितने सीसी का इंजन, या सीसी इंजन जितना ज्यादा बेस्ट होता है गाड़ी उतनी ज्यादा बेस्ट, वरना हमें तो ये लगा कि रेड कलर की है व्हाइट कलर की है वही गाड़ी अच्छी है, और हमें क्या करना। अब महसूस होता है कि इंजन की, और स्पेशली मैक ड्राइव से मुझे पता चला जब मैंने अपने पति से ट्यूशन ली कि भाई होता क्या है, तो वेस्ट चीज का मेरे को तो ये लगा कि भाई हमारी हेल्थ के साथ साथ वो तो गाड़ी की हेल्थ पे भी ध्यान दे रहा है, और किस तरह से इको फ्रेंडली, जो हम हर चीज में इको फ्रेंडली कहते हैं, तो ये हमारा मैक ड्राइव तो सबसे बड़ा है। कहा जाता है एक साल में एक गाड़ी जितना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है, तकरीबन उसको एब्जॉर्ब करने के लिए 220 पेड़ चाहिए, और हमारे मैक ड्राइव यूज करने के बाद 70% धुआं कम हो जाता है। 70% बहुत बड़ा परसेंट है, 70%। अभी बीच में कुछ टाइम पे ये बहुत हुआ था स्पेशली दिल्ली में कि ये 10 या 11 साल के बाद ये गाड़ी नहीं चलने देंगे दिल्ली में, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन कुछ ऐसा हुआ था कि ये अगर गाड़ी का इंजन है ये 10 साल पुराना है या 12 साल पुराना है, उसके बाद उस हम गाड़ी को नहीं चलने देंगे। उसका भी सबसे बड़ा कारण यही था। अगर यहाँ दिल्ली गाजियाबाद नोएडा के बहुत लोग बैठे हुए हैं, अगर मैं सही कह रही हूँ तो वो यस टाइप कर सकते हैं, क्योंकि बीच में ऐसा काफी है ना रहा था कि भाई गाड़ी है ना हमें चेंज करने पड़ेंगे हर कुछ टाइम बाद। हाँ नीरू मैम थैंक यू 15 ईयर्स। तो उसका सबसे बड़ा कारण यही था, क्योंकि एक सर्टेन टाइम के आने के बाद गाड़ी बहुत ज्यादा पॉल्यूशन देती है, गाड़ी बहुत ज्यादा है ना आपकी आवाज देती है, और गाड़ी स्मूथली नहीं चलती। ये सारा कुछ काम होता है हमारा इंजन से। जिस तरह से हमारे वेस्टीज में हेल्थ सप्लीमेंट के लिए बोला जाता है सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी, अगर हमारी बॉडी की सेल्स ठीक है तो सब कुछ ठीक है, इसीलिए वेस्टीज में स्पेशली नाम दिया जाता है जो CNT होती है, कि हमारी सेल्स, हर यहाँ का हर प्रोडक्ट हमारे सेल्स पर काम करता है। इसीलिए कितनी बार ऐसा होता है कि हमने कोई सप्लीमेंट किसी है ना मर्ज के लिए खाया और कोई मर्ज ठीक हो जाती है, क्योंकि वो सीधे सेल्स पे काम करता है। उसी तरह से हमारा मैक ड्राइव इंजन पे वर्क करता है, और इंजन आपका हेल्दी है तो गाड़ी तो साफ टनाटन रहेगी, बाकी ऊपर का कवर आप जब इच्छा हो साल दो साल जैसे भी आप चाहो बदलवा सकते हो, इंजन बेस्ट रहता है। जो पॉल्यूशन को लेके इतना हम लोग
चिंता में रहते हैं उस पॉल्यूशन को कम करता है। वरना इस प्रोडक्ट को ऐसे ही नहीं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी हाँ बोल देंगे कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है, चाहे वो आपकी ऑडी हो, मर्सिडीज हो, टोयोटा हो, कोई भी हो, सबों से सर्टिफाइड है ये प्रोडक्ट। तो हमें बेझिझक इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहिए। बस फर्क ये है कि इस प्रोडक्ट को हर 30, कोई भी इंजन 30,000 किलोमीटर के बाद हमें चेंज करना होता है। मैंने यहाँ जनरेटर में यूज किया, तो जनरेटर के लिए कोई भी इंजन एक स्टैंडर्ड अगर हम मान के चले तो तकरीबन 1 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर चलता है। आप उससे कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप घंटों के हिसाब से आपके घंटे कितने ना कवर हो रहे हैं, उनमें आप कितना किलोमीटर हो जाएगा। हेलो, आप उसको कैलकुलेटर ना आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 30,000 किलोमीटर चाहे वो जनरेटर हो या कुछ भी हो, आप बस उसे देख लीजिए और उसके बाद हमें डायरेक्ट बात करूं। आवाज आ रही है मेरी? डालने के बाद आपको तकरीबन आधा घंटे के लिए इंजन चलते छोड़ना है, ताकि आपकी जो आपका सिलेंडर है, आपका जो इंजन है, उसे पूरे में एक लेयर बन जाए, जिससे पिस्टन और सिलेंडर वर्किंग करके अपनी एनर्जी पूरी तरह से दें। अच्छा, ये थर्मल भी है इसमें ना, जो थर्मल टेक्नोलॉजी भी है, जिसकी वजह से हमारे जो थर्मल का काम है अंदर और बाहर की है ना, जो हीट को जाने नहीं देता, तो जो हीट उसने बनाई उससे जो एनर्जी बननी है वो भी पूरी रहती है, और बाहर की हीट भी इतनी नहीं आती कि हमारा इंजन बार बार गर्म हो जाए। क्योंकि मोस्टली जब जैसे जैसे इंजन पुराना होता जाता है, वैसे वैसे इंजन हीट बहुत करने लगता है। थैंक यू सर, मुझे ये मैक ड्राइव की मीटिंग देने के लिए गाड़ी की थोड़ी सी नॉलेज बढ़ गई, थैंक यू सर। अच्छा, जो इसमें ये एक चीज और सबसे मेन बतानी थी कि जो इसकी जो अंदर लेयर होती है वो बहुत ही थिन होती है। कहा जाता है कि हमारे जो बाल की है ना जो थिकनेस होती है वो mm से भी छोटी यूनिट थाउ, थाउ से है ना हम उसके कैलकुलेट करते हैं, और बाल से भी बहुत पतली लेयर ये बनाता है जिससे हमारा इंजन नया हो जाता है। इसमें इसमें जो 20 नैनोमीटर प्लेटिनम कोटेड जिरकोनियम पाउडर जिसकी ये कोटिंग बनाता है, तो स्पेशली जैसे मैंने अभी जो बताया कि जो जिरकोनियम होता है वही थर्मल का काम करता है, ताकि हमारा इंजन बार बार हीट ना करे। इंजन की हर तरह से सुरक्षा करना इसका काम होता है, बसरते आप इसको टाइम टू टाइम जितना इसका 30,000 किलोमीटर दिया है उसके बाद इसमें डालते रहें। और जो रूल्स हैं कि आपको पूरा शेक करके डालना है, शेक करने के बाद उसके बाद आपको आधा घंटा इंजन को चलाना है, तो उसकी पूरी जब तक लेयर ना बन जाए। क्योंकि कई बार ऐसा क्या होता है कि हम पर अगर कोई चीज का, अच्छा एलोवेरा है, एलोवेरा है तो वो एलोवेरा का काम करेगा, अब वो एक अलग चीज है कि आपने उसे लिया कैसे। हर किसी का एक पर्टिकुलर रूल होता है लेने का, खाने का, करने का, आप उसको उसकी तरह से ही करोगे तभी उसके रिजल्ट दिखाई देंगे। उसी तरह से मैक ड्राइव के अंदर भी ये चीज है कि आप उसको इंजन ऑयल के साथ डालें, इंजन ऑयल के बाद आप उसे अच्छे से शेक करें, अच्छे से शेक करने के बाद इंजन को तकरीबन आधा घंटे के लिए चलता हुआ छोड़ें। या तो आप अपनी स्कूटी या बाइक या ना कार या जनरेटर तो नहीं ले जा सकते, कार और स्कूटी आप कहीं लेके जाए, अदरवाइज इंजन को चलता छोड़ दें। हर घर में गाड़ी, स्कूटी, हर फैक्ट्री में जनरेटर, इंजन से क्या नहीं है, हर चीज में इंजन की जरूरत है, इंजन के बिना तो कोई चीज चलनी ही नहीं है।
और सिलेंडर और पिस्टन वाला फॉर्मूला जहां चाहिए उसको भाई, एक स्मूथ लेयर चाहिए अपना काम करने के लिए। तो आई थिंक इस प्रोडक्ट को हर किसी को लेना चाहिए। बिजनेस वॉल्यूम बहुत अच्छा है, इतने अच्छे पीवी हैं, और ऐसा कोई भी घर नहीं है जहां इसकी जरूरत ना हो, क्योंकि कुछ टाइम के बाद ये होता ही है कि भाई आपकी गाड़ी आवाज करने लगती है, आए दिन आप उसे सर्विस पे ना ले जाते हैं, सर्विस का जो खर्चा बचाना है, इस बात की श्योरिटी है। अगर जो मैक ड्राइव रेगुलरली यूज करने लगेगा, उसका काफी पैसा, काफी से काफी ज्यादा पैसा बचने लगेगा। बस एक बार इसको समझने की जरूरत है। आज की डेट में मैं बोल सकती हूँ कि मैंने 1600 से 70,000 रुपए बचाए। कमाना ही कमाना नहीं होता, बचाना भी कमाना होता है। एक प्रॉपर सोच के साथ, एक प्रॉपर नॉलेज के साथ, उसके साथ साथ आपका बिजनेस वॉल्यूम तो बढ़ ही रहा है। जिस तरह से एक बार अन्ना शायद मीटिंग में ही शेयर किया था, आई थिंक लता मैम ने शायद शेयर किया था कि गाड़ी जो लॉकडाउन में उनकी रखी रही थी, तो वो स्टार्ट होना बहुत है ना मुश्किल लेना होता है, तो वहां मैक ड्राइव बहुत अच्छा काम करता है। डॉक्टर है इंजन का, तो क्यों हम बार बार सर्विस सेंटर जाएं, क्यों हम इतना पैसा उड़ाएं? उससे जितना पैसा हम बचा सकते हैं उससे अपने शौक मौज पूरे करें, फालतू का पैसा क्यों दें? बस थोड़ी सी हमें समझ ही तो रखनी है, थोड़ी सी नॉलेज ही तो लेनी है, थोड़े से एक्सपेरिमेंट ही तो करने हैं। और यार हम लोग कोई ऐसा तो नहीं है, ये चीज बताने के हमें रुपए दिए जा रहे हैं कि ये चीज बताओ तो रुपए मिलेंगे, ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना। जो सच है, जो हमने एक्सपीरियंस किया है, जो हमारे साथ हुआ है, जो ट्रुथ है, वही हम शेयर कर रहे हैं। तो इस पे यकीन करना बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। सेकंड, अब मैं मेरा जो अब मेरी ना मोटरसाइकिल है जो फैक्ट्री में यूज होती है, वो बोर के करीब है, उसका इंजन भी खराब होने वाला है, तो हम उसमें भी बेझिझक अब डालने वाले हैं, क्योंकि हमें पता है उसके हमें रिजल्ट मिलने ही मिलने हैं। हर कोई निश्चिंत होके इसको यूज कर सकता है, बस यूज करने का तरीका सही हो, पैसा ही पैसा बचेगा और कमेगा भी। तो सब लोग यूज करें इसको, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और साथ में वेस्टिज को भी मैं धन्यवाद बोलना चाहती हूँ कि उसने इस वेस्टिज प्लेटफॉर्म पे इतने प्रोडक्ट लाके और बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट लाके खड़े कर दिए कि हमारा जुड़ना और यहाँ काम करना बहुत ही इजी कर दिया है। सिंपल सी बात है, अगर आप बच्चे, अगर आपको बच्चों की ग्रोथ चाहिए, हर कोई अपने बच्चों की ग्रोथ को लेके चिंता में रहता है, तो यहाँ बच्चों की ग्रोथ के लिए सप्लीमेंट है। हर एक सर्टेन एज पे आने के बाद हर कोई अपनी बाहरी ब्यूटी को बहुत निखारना चाहता है, तो यहाँ हमारा मोम का खजाना हमारे पास है। जब हम बुजुर्गित में आते हैं तो हमें हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं, उसके लिए भी पूरा भंडार दिया हुआ है वेस्टीज ने। और अगर हमें अपने घर के जेंट्स वगैरह को जोड़ना हो, तो ये मैक ड्राइव कितना बेस्ट प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है। तभी साइंस को बोलते हैं कि ये एक फैमिली बिजनेस है, पूरी फैमिली साथ में काम कर सकती है। आज मेरे घर के डाइनिंग टेबल पर मैंने सारे सप्लीमेंट लगा रखे हैं जो हम लोगों को लेने होते हैं। तो मेरी बेटी की ट्यूशन टीचर आए तो बोले कि ये इतने सारे प्रोडक्ट, इतने सारे सप्लीमेंट, तो इतने सारे का क्या होता है? तो मेरी बेटी बोलती है हमारा पूरा घर खाता है। तो भाई जहां आप एक रास्ते पे चलने के लिए जब पूरी फैमिली साथ होती है, तो रास्ता बहुत आसान हो जाता है, मंजिल मिलना तय हो जाती है। यहां पर काम करना बहुत आसान कर दिया है बाली सर ने, एक तो हर कैटेगरी के प्रोडक्ट को देकर और उन प्रोडक्ट को बेमिसाल बनाकर। इसी के साथ बस मैं आज यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप सब लोग यूज कीजिएगा।
थैंक यू सो मच। वाओ ग्रेट रश्मि मैम, आज आपने जबरदस्त हम लोगों को इतना एनर्जी वाला इंजन की तरह से बना दिया, जबरदस्त। मतलब इतनी नॉलेज, एक इंजन क्या क्या हमारे लिए किस तरह से सेविंग कर रहा है, किस तरह से हमारे टाइम मतलब मनी हर चीज में आपने औसम दिखाया, मतलब हर चीज का पहलू बताया कि एक किलो जैसे आपने एक मिनट में एक किलोमीटर, वाओ यार, मतलब सेंस एक एक आपने हर कैलकुलेशन